हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा पाजी, मैं ये सवाल आपसे भी है, आपसे भी हाँ। आपका भी मैं उसके ऊपर राय जानना चाहूंगा। मोह माया और मनी, मोह हो गया आपका किसी के लिए प्यार या अटैचमेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट। तो लड़कियों को कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मोह करता है कि माया करती है? आई मीन प्यार या पैसा? डेफिनेटली प्यार। वेरी नाइस आंसर जी मैम, आप काफी पैसा भी ना एंजॉय कैसे होगा मैडम? हाँ, प्यार तो दो दिन, चार दिन चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बात करो कुछ नहीं। तो आज पहली बार नेशनल टेलीविजन पे हुस्न और तजर्बा, आइए। पैसा, सब कुछ पैसा है, पैसा बिना जिंदगी तमाम है। इधर भी एक मोहतरमा है जो अपने विचार पेश करना चाहती है। हाँ जी, आपने लगता है अभी लिपस्टिक लगाई है। आधा घंटे पहले लगाई थी, अभी तक चल रही है, लॉन्ग लास्टिंग। मैं मैम को ये बोलना चाहती हूँ कि बुजुर्गों के हिसाब से वो होगा। अरे मेरे को बुजुर्ग कैसे बोल दिया? बुजुर्ग कैसे बोल दिया बताइए, नेशन वांट्स टू नो, टेल मी। बुजुर्ग के लिए रिस्पेक्ट होता है ना। आपने आधा घंटा पहले लिपस्टिक लगा ली तो उनकी यहाँ क्या उतर गई लिपस्टिक? कोई तरीका मतलब वो बुजुर्ग हो गई, क्या मतलब है? तो आपका नाम क्या है सेनेटा? मैं साक्षी शर्मा हूँ, दिल्ली से। अच्छा, फिर बुजुर्गों के बारे में क्या फरमा रहे हो आप, बताओ। मैं अपनी तरफ से पूरे यंग जनरेशन के लिए बोलना चाहती हूँ जी कि जो हम अट्रैक्ट होते हैं वो प्यार है, ना कि पैसा। क्योंकि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे, वो पैसा कमा लेगा। पैसा तो कभी ना कभी जिंदगी में आना ही है। पर कई बड़े आलसी होते हैं। हाँ जी, लाइन में आ गई। देखो गरीब तो कोई पैसा चाहिए। और आंटी जी, आंटी जी मैं खत्म करता हूँ आपको। सिद्धू जी ने आंटी जी कहा, इससे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, खूबसूरत मोहतरमा, थैंक यू सर। मैं जवाब देता हूँ, देखो दीजिए। तिजोरी से पैसे निकालो कम होते, पूल में से पानी निकालो कम होता है, लेकिन दो चीजें बांटने से बढ़ती हैं, एक ज्ञान और दूसरा प्यार। क्या बात है, क्या गया? जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया। और मेरा मानना भी यही है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे, वो पैसा कमा लेगा। हम कम पैसे में भी सूखी रोटी खा के भी खुश रहेंगे। मेरा क्या है, मैं तो नमक के साथ सूखी रोटी के साथ भी गुजारा कर लूंगा। शाम को घुमाने नहीं जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? शाम का पावा नहीं निकलेंगे, तुम्हारा क्या होगा? अगर अगर मैं उन्हें प्यार से सुबह घुमाने नहीं देगा, अरे वो हम बोल दिया चार दिन का है प्यार व्यार और कुछ नहीं। अभी बुजुर्ग बोला ना तो डांस करके दिखाओ, इसका मतलब ओहो, आ जाओ फिर, आज तो फिर ओके। ये इसका जो डिसीजन है वो ऑडियंस देंगी कि कौन विनर रहा। इनकी नजरों में इन्होंने उनको बुजुर्ग कहा तो उन्होंने उनको ओपन चैलेंज दिया, तो बहुत अच्छा किया। आई लाइक दिस स्पिरिट मैम, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत प्यारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देख, सो स्वीट, थैंक यू। कहाँ से आए आप? नेपाल से। आपका शो देख लीजिए, नेपाल से आए हैं पूरा परिवार। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप बहुत प्यारी हैं आप। तो विनर कौन है फिर आपकी नजर में? आपके लिए एक एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है मेरे पास, एक थैंक यू साक्षी। नेहा, सोहा, ये बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है, हम हमेशा अपने गेस्ट को देते हैं जो हमें बहुत एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच, डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं, लेकिन बुलाते नहीं है इनके टाइप के लोग।
अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है, फिर हम बातें करते हैं। ओके जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तो तुमने पूछा नहीं क्यों डाला, मैंने निकाला तो कुछ लिए क्यों निकाला है। एंड प्लीज अब मुझे मेरी दोनों नर्सेज मिल गई हैं, लेट मी टॉक टू देम। मिल गई है? अच्छा आपको नर्सें मिल गई हैं? यस। पेशेंट के हाथ की नस नहीं मिलती, आपको दो दो नर्सें मिल गई हैं। मेरे को आप बता सकते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? गर्दन। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे बताइए इन दोनों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? ऐसी नर्सें होंगी ना, फिट लोग भी इंजेक्शन लगवाने आएंगे। ये आपका भ्रम है। आप खाम खा इस भ्रम में जीते जा रहे हैं। सब भ्रम में ड्रम जैसा लगता है ना। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से पता नहीं, नहीं खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। बैठे लोग, ये कितनी ऑब्वियस बात कर लिया यार, लोग बैठे हैं। अपने देख पहले। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या आप नेहा और सोहा से इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? देखा? रुक जाइए, बड़ा जोश आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर बम्पर से कौन कौन इंजेक्शन लगवाना चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं। एक मिनट, आपने भी हाथ उठाया था? नहीं मैंने देखा आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड से जरा सा ऐसे ऊपर गया था। नहीं मैंने देखा था आपका हाथ। यहाँ आइए। ऐसा कौन इंजेक्शन लगाते हैं? रुक जाइए। नर्वस हो जाती है ना, मुझे विटामिन की जरूरत पड़ती है थोड़ी। अब कहाँ घबरा रहे हैं? इंजेक्शन है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, देखिए लोड हो गया तो इंजेक्शन तो लगना पड़ेगा। तो सिद्धू जी, नहीं मैं तो खाली आपसे परमिशन ले रही हूँ, मैं जरा कप्पू शर्मा को लगा दूं इंजेक्शन। लगाओ। ए, मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं, कुछ जरा सा इंजेक्शन है, चल ले। ये मत सोचिए मेरे पास और नहीं है। मैंने तेरा बम्पर तेरा धनुष तोड़ दिया। देखिए इंजेक्शन तो मैं आपको लगा कर रहूंगी। बम्पर डॉक्टर साहब, ये बदतमीज को भगाइए आप यहाँ से। डॉक्टर साहब आपकी नर्स आई है, ये सारी आपके किधर है, क्या हो क्या रहा है ये? चलिए ए बम्पर सुनो, थैंक यू। मेरा जो काम करना था मेरा तो हो गया, इंजेक्शन आपको लग चुका है, असर आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा। आपको बीच में बैठने के लिए किसने बोला? तुम लोग लगे हुए थे तो मैंने कहा इनका मैं थोड़ा सा लग जाऊं साथ में। And yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Nice meeting you. Please call me back. Absolutely. Yes. के सर ने एक फिल्म की थी हनीमून ट्रेवल, उसमें ये इतना शर्माते कि शर्म के मारे हनीमून भी मना के नहीं आते। सर रियल लाइफ में भी आप इतने शर्मीले हैं? जो पिक्चर में होता है ना वो असली में नहीं होता है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क तो है, जैसा उन्होंने कहा, आम आदमी जब आप एक्टर बतौर एक्टर जब आप फिल्म में काम करते हैं
हीरोइन को बेधड़क रोमांस करते हैं, आप खुल जाते हैं पब्लिक में आदमी अपनी वाइफ से शायद इतना खुल के नहीं। आपने कभी ऐसे पब्लिक में अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के ऐसे कभी ऐसे किया? लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप मनाली जाओ कभी, है ना, मनाली जाओ या श्रीनगर जाओ, ये सब हिल स्टेशन पे, तो आपको बड़े हनीमून कपल दिखाई देते हैं वहाँ पे, हाथों में हाथ पूरे, हाँ हाथों में हाथ, और अचानक से ना वो उसको गोद में लेकर के ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं और ऐसे ऐसे ले जाते हैं। बड़ी देखी है ऐसे मनाली में, जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं ऐसे ऐसे लड़के अजीब जी फोटो खींचा, अजीब से फोटो खींचा, लड़का लड़की कहीं को एक्सप्रेशन नहीं देने आते बेचारे, वो कौन सा एक्टर होते हैं वो रोमांटिक कप पोज बनाने को बोलता है फोटोग्राफर, कुछ ऐसा करो तो ऐसे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की बात होती है, अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पकड़ते। इधर एक्टर लोग देखो दूसरे की बीवी को भी ऐसे पकड़ेंगे जैसे खुद की है, तो ये फर्क होता है। मनोज भाई, के सर, विजय भाई, यहाँ पे आपके दर्शक जो हैं, यहाँ पर आपके जो फैंस हैं, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, करिए करिए, कुछ फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले ग्लैमर से शुरुआत कर रहे हैं। हेलो। हेलो सर। मनोज सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और मैं शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके। शाहरुख खान ने जैसे DDLG में काजोल के साथ रोमांटिक डांस किया है, हाँ। मैं वो आज आपके साथ करना चाहती हूँ। क्या बात है? सर, मैं आपके लिए जैकेट भी लाई हूँ। अच्छा, ठीक है, ले जाओ। हाँ। ओके। ओके। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बस 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 बस, मुफ्त में इतना काफी है, काफी है, शुक्रिया। मोहतरमा, क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अलग बात है, कोई डायरेक्टर मनोज भाई से ऐसे डांस करवाता नहीं, तो रोमांस यहाँ तक भरा पड़ा है। मतलब पूरा आपने 200% दिया अपना, वेरी गुड जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी। मुझे भी कुछ कहना है, मेरी भी फरमाइश है, इसीलिए माइक दिया आपको, बोलिए। जैसे उस लड़की ने डांस किया मनोज सर के साथ, मेरे को भी विजय सर के साथ करना है रोमांटिक अंदाज से। आइए स्टेज पे, आइए स्टेज पे। क्या नाम है आपका? महक राजपाल। महक राजपाल। राजपाल जी नहीं आए साथ में? आए ना। कहाँ है राजपाल जी? कहाँ? अच्छा, आपने भी जैकेट लेके करना है? राजपाल जी आओ ना यार। ये मैं आपको ऐसे पहना देता हूँ सर, आपके साथ करना था। नहीं, मैं भी हूँ। मैं तुम दोनों का डांस डायरेक्ट करूंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ थोड़ा हो जाए, आइए राजपाल जी। तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
और आपने ये जो घुमाया है तेज, मैं क्या करूं? मुझे लग रहा था रोमांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था आपको गुस्सा है अपनी हीरोइन पे। मतलब मैं करूं क्या? नहीं, अच्छा कर रहे थे, फोर्स ज्यादा डाल दिया आपने। मुझे लग रहा लड़की की बाजू ना हाथ में आ रही है। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, मैं मनोज सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी मनोज सर, हम बनारस से बानी। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जब हम मुंबई आई नहीं, हाँ, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गए, वहाँ डांस करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे से वो हुआ नहीं। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था सर। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है यार। तो लेकिन अभी आप सर काफ़ी फ्लुएंट से डांस कर लेते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाँ, कि प्लीज़ एक मिनट के लिए हमारे साथ डांस कर लीजिए सर। अरे आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और सर साथ में मेमन सर और विजय सर से भी रिक्वेस्ट है थोड़ी। किस चीज की? वही वही वही, उन्होंने लड़की के साथ इतना बेदर्दी से डांस किया, आपका क्या करेंगे वो? हाँ मतलब देख लो। टेक वन सर, टेक वन। ओके, सो आई टेक वन सर, यू आल्सो, यू टेक टू, यू टेक टू, यू टेक थ्री सर, टेक वन। अतुल जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।